हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टुडे रैप 28। और आप लोग कैसे हैं? और मैं यहाँ पर दिन की शुरुआत कर रही हूँ और आज है तीज का नहाए खाए। मेरे धोए हुए कपड़े रखे हुए थे और मैं सूखने के लिए यहाँ पर डाल दी हूँ। और इसके बाद मैं नहा करके आई हूँ फूल तोड़ने के लिए, क्योंकि अब करूँगी पूजा। और गुड़हल का फूल है ये, कुछ लोग इसे ओढ़ुल भी कहते हैं। वैसे तो मैं बिना नहाए कभी कभी तोड़ती हूँ, लेकिन आज मैं नहा करके फूल तोड़ रही हूँ। और ये है एक रोज़ आज खिला हुआ, तो सोच रही हूँ इसे भी तोड़ लूँ, लक्ष्मी माँ पे चढ़ा दूँगी। और इसके बाद भी दो चार कलियाँ और दिख रहा है इसमें, तो ये भी खिलेंगे तो मैं आराम से थोड़ा तोड़ूँगी। और बहुत ही ये सुंदर लग रहा है। और सुबह सुबह उठकर गार्डन में चिड़ियों की जो चहचहाहट होती है वो कितना खूबसूरत और आनंदमय लगता है। वो तो आप जब कभी अपने गार्डन में या बाहर घूमने निकलेंगे तो महसूस कर पाएंगे। और अब मैं अपने प्रभु की पूजा कर रही हूँ और ईश्वर से यही मांगती हूँ कि इस वीडियो को जो भी लोग देख रहे हैं उन सभी की मनोकामना मेरे प्रभु जरूर पूरा करें। आज है हरतालिका तीज का नहाए खाए और मैं यहाँ पर आ गई हूँ किचन में। और जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं बिल्कुल स्नान करके आई हूँ, क्योंकि आज के दिन का खाना बिल्कुल नहा धोकर के ही बनाते हैं और बिल्कुल सात्विक भोजन बनाते हैं। और मैं यहाँ पर तैयारी कर रही हूँ मालपुआ बनाने की, जिसमें मैं ले ली हूँ मैदा और इसमें मैं दूध ऐड कर रही हूँ, मिल्क और सूजी। तो मैदा जितना ली हूँ उससे बहुत कम सूजी ली हूँ। अगर एक कटोरी मैदा लेती हूँ तो आधे कटोरी मैं लूँगी सूजी। और इसमें मैं मिल्क ऐड कर रही हूँ और अब ड्राई फ्रूट्स काट करके इसमें मैं ऐड करूँगी, क्योंकि आज है नहाए खाए तो हम सब कुछ बहुत ही पवित्रता के साथ करेंगे, अमनिया से करेंगे। और इसके लिए सब कुछ अलग ही तैयारी आज के दिन करते हैं हम सभी। जो घर का पहले का मसाला होता है जिसे हम किचन में यूज कर रहे होते हैं, तो उसको ना छू करके हम सब कुछ नया यूज करेंगे। और अब मेरा ये डोई बिल्कुल तैयार है और इसे अब अच्छे से मिला लेंगे। और अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा मावा, बिल्कुल थोड़ा सा ऐड करूँगी, ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये फिर फैलने लग जाएगा। और अब मैं कढ़ाई चढ़ा दी हूँ और इसमें चन्नाट भी डाल दी हूँ और हम लोग इसको झंझरा भी बोलते हैं। और आज मैं घी से बनाने जा रही हूँ, क्योंकि घी में ही बनता है और अक्सर मैं ये सारी चीज़ें घी में ही बनाती हूँ। ऐड करने जा रही हूँ इसमें घी, जो कि घर का बना हुआ है, गाय का घी है ये। और इसी में हम अपने मालपुआ को बनाने जा रहे हैं। और फिर हमारे घर में जब भी पुआ बनता है तो हमेशा सर ढक करके ही बनाया जाता है। और साथ में पुआ बनाते वक्त हमें गैस के नीचे एक ग्लास पानी और एक पत्थर रखा जाता है, जैसा कि मैं अभी आपको दिखाने वाली हूँ। कढ़ाई में पुआ बिल्कुल एक धार बनाते हुए और बीच में ही डालना है, और इस प्रकार से जैसा कि आपको वीडियो में दिख रहा है। और अब ये सुनहला भी हो गया, इसे हम पलट देंगे और ये बनकर तैयार है। और अगला ट्रिप भी मेरा कढ़ाई में डाला हुआ है। और मेरा कहना है कि अगर साल में तो दो तीन बार इंसान पुआ खाता ही है, तो क्या रिफाइंड में खाना, घी में ही क्यों ना खाएं। तो मैं तो हमेशा घी में ही बनाती हूँ। और ये तो मालपुआ जो बना रही हूँ, वैसे मैं चाशनी करके भी पुआ बनाती हूँ,
वो दशहरे में, और करवा चौथ मैं करती हूँ तो उसमें भी मैं पुआ बनाती हूँ। पुआ बहुत ही शुभ माना जाता है, इसलिए हमारे घर पर ऐसे मीठे व्यंजन बनते हैं। और इसमें घी बहुत कम ही लगता है, आप देख सकते हैं मेरा 2 पुआ ऑलरेडी निकल चुका है और ये 3रा पुआ बन रहा है। जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, तो आप घी में ही बनाएं और ये सेहत के मद्देनज़र भी बहुत बेहतरीन है, अच्छा है। मेरे पापा जी चीनी नहीं खाते हैं, तो मैं जब भी बनाती हूँ घर पे तो उसमें शुगर फ्री टैबलेट डाल करके और पुआ बनाती हूँ। और तो आपके घर में अगर कोई चीनी नहीं खाते हैं तो आप ऐसे भी पुआ बना सकते हैं। मैं जा रही हूँ बनाने चना का दाल। और मेरा यहाँ पर चाय भी तैयार है और मैं यहाँ पर दाल चढ़ा दी हूँ। मैं यहाँ पर अपने भगवान जी को भोग लगा देती हूँ ताकि इनका आशीर्वाद हमारे ऊपर सदैव बना रहे। पूड़ी भी बनकर अब तैयार है बिल्कुल। और दोस्तों, आज के दिन का खाना सेंधा नमक में बनता है। बहुत लोग सेंधा नमक भी खाते हैं और बहुत लोग नहीं भी खाते हैं। और आज का सारा खाना मैं घी में ही बना रही हूँ और सब्जी भी मैं घी में ही बना रही हूँ। और ये आलू फ्राई होते ही मैं इसमें ऐड करूँगी पनीर, जो कि घर का है और मैं उसे दबाई नहीं थी, बस ऐसे ही जल्दी से जैसे ही फटा था उसके बाद मैं इसे डायरेक्ट डाल दे रही हूँ। थोड़ा मलाई टाइप का खाना बनेगा भोजन और ये सब्जी। और इसमें ऐड कर दे रही हूँ मसाले। मसाले में मैं डाली हूँ जीरा का पाउडर, गोलकी का पाउडर, धनिया पाउडर और लाल मिर्च का पाउडर, और थोड़ा सा डाली हूँ हींग, और ये है नमक। और अब अच्छे से सबको मिला दूँगी और लगभग खाना मेरा तैयार है। यहाँ बन गया है कचौड़ी और चने की दाल और पुआ और चावल जो कि चढ़ा हुआ है गैस पर। और यहाँ मैं तीज में चढ़ाने के लिए प्रसाद की तैयारी कर रही हूँ। बेटू क्या कर रहे हो? बेटू जाओ किचन से पानी ले आओ, किचन से जाकर पानी ले आइए। जाइए जाइए फिल्टर से ले आइए, फिल्टर देखे हो ना, जाकर ले आओ। जाओ बेटा। अच्छा गिर गया, देते। मैं यहीं पर टेबल पे बैठ करके प्रसाद बना रही हूँ और रुबल यहाँ पर खेल रहे हैं और उन्हीं से मैं बातें भी कर रही हूँ। रुबल का ग्लास गिर गया था और वो मुझे इशारे में बता रहे थे, वही मैं उठा करके अभी उनको दी हूँ। प्रसाद में मैं बना रही हूँ मैदा और सूजी को मिक्स करके उसमें ड्राई फ्रूट्स डाल करके पकवान। और रुबल जी को देखिए ग्लास में पानी पी रहे हैं जबकि पानी इसमें है नहीं, दिखा रहे हैं कि ऐसे पानी पिया जाता है, देख भी रहे हैं कि इसमें कुछ भी नहीं है क्योंकि ये इनका ग्लास है तो इन्हें पता है। और देखिए इनका गिलास फिर से गिर गया है। और अब ये पूरी कोशिश में लगे हुए हैं गिलास को उठाने का, जैसा कि आपको वीडियो में दिख रहा है। और कितना प्यारा ये एक्टिविटी लग रहा है इनका।
मेरी ओर देखे जा रहे हैं कि मम्मा देख क्यों नहीं रही है, उठा क्यों नहीं रही है। और मैं अभी थोड़ा सा रुकूंगी, देखती हूँ क्या क्या ये करते हैं। क्या ग्लास क्या हुआ? क्या हो गया? ग्लास कहाँ गया बेटू? ग्लास कहाँ गया सोना? ग्लास क्या हुआ आपका? किधर गिरा है ग्लास? और अरे कहाँ है ग्लास? बिट्टू का ग्लास किधर है? सोना बेटा का ग्लास किधर है? और अब ये गए हैं फ्रिज को खोलने के लिए, क्योंकि ये देखते हैं मम्मा पापा हमेशा खोलते हैं फ्रिज को। ये भी गए हैं महाराज फ्रिज को खोलने के लिए। क्या है कि मैं यहाँ पर प्रसाद बना रही हूँ, इसलिए मैं नहीं उठ रही हूँ इनका ग्लास उठाने के लिए। इनका ग्लास मैं उठाती हूँ, ये फिर से गिरा देंगे तो मैं यहाँ डिस्टर्ब हो जाऊंगी, इसलिए बस एंजॉय कर रही हूँ ये क्या क्या करते हैं। आ जा इधर आइए आ जाइए। ग्लास को ढूंढा जा रहा है, आइए आ जा। वैसे तो मैं रूबल को जब भी ये वॉकर चलाते हैं तो मैं इनको शूज़ पहना देती हूँ, लेकिन आज मैं शूज़ नहीं पहनाई हूँ, क्योंकि बगल की भाभी जी बोली कि अगर आप शूज़ पहनाएंगी तो तलवा अच्छा सा नहीं बैठेगा, अभी से ही शूज़ वॉकर में चलाते वक्त नहीं पहनाइए। घर आज थोड़ा सा खाली खाली सा लग रहा है, क्योंकि पर्दा जो खुला हुआ है और अभी तक वो सूखा नहीं है, इसलिए मैं लगाई नहीं हूँ। रूबल मेरी ओर ही देखे जा रहे हैं और देखिए कितना स्टाइल से ये अपने वॉकर को मोड़ रहे हैं, क्योंकि इनको अभी आगे की ओर चलाने नहीं आता है, तो ये साइड और पीछे की ओर ही चलाते हैं। और देखिए ये आ जाइए बेटा जी, घूम भी गए हैं, खाना बनाने जा रहे हैं किचन में। हाँ आ जाइए इधर इधर आ जाइए बेटा। हाँ दादा आ रहे हैं। यहाँ पर दूध वाले दादाजी मेरे आ गए हैं, और रूबल को देखिए मैं दूध उधर ले रही हूँ, और रूबल कैसे झांक रहे हैं, मम्मा किधर गई, कौन आया, पूरी जांच पड़ताल बिठा देंगे। वॉशिंग मशीन के साइड वाले जो भाग हैं उससे वो देख रहे थे, कैमरा ऑन था इस वजह से मुझे पता भी चल गया इनका एक्टिविटी। और यहाँ पर मेरा प्रसाद बन रहा है, और इसे मैं केक को कॉम्प करने वाले कंघे से डिजाइन बना दे रही हूँ ताकि ये खास्ता बने, और इसे अब छान दे रही हूँ, और इसको बहुत लो फ्लेम पर ही छानेंगे और सुनहला होते ही पलट देंगे। और पलटने के बाद इसे थोड़े थोड़े चम्मच से हम दबा देंगे, क्योंकि ये फूल जाता है तो चम्मच से दबाने से ये अच्छा खास्ता बनेगा। आप सभी को मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।